नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां फूड पॉइजनिंग से 40 से ज्यादा छात्र छात्रा हुए शिकार। पाली मेडिकल कॉलेज में बुधवार शाम को वर्ष 2019 के स्टूडेंट ने वर्ष 2020 के मेडिकल स्टूडेंट को फ्रेशर पार्टी दी थी। पार्टी में करीब 250 से लेकर 300 स्टूडेंट का खाना रखा गया था, जिसमें रबड़ी के घेवर, रसमलाई, रबड़ी चुस्की व दही का मट्ठा भी शामिल था। दूध से बनी मिठाइयां खाने एवं दही का मट्ठा पीने से संभवतः स्टूडेंट फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए। सवेरे करीब 5 बजे के करीब में 47 छात्र छात्राओं को कुछ उल्टी दस्त हुआ तो कुछ के पेट में दर्द होने लगा। जानकारी मिलने पर मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल दीपक वर्मा ने तुरंत सभी स्टूडेंट को राजकीय बांगड़ा हॉस्पिटल में उपचार के लिए भेजा गया, जहां उनका उपचार जारी किया जा रहा है। 47 छात्र छात्राओं को बाद में 8 और पीड़ित सामने आए। सूचना मिलने पर डॉक्टर प्रवीण गर्ग, डॉक्टर HM चौधरी, PMO बांगड़ हॉस्पिटल, RK कुरैसी, पुलिस प्रशासन, नगर परिषद सभापति रेखा राकेश भाटी भी उपस्थित रहे और सभी ने पहुंचकर जानकारी ली। पाली से ब्यूरो चीफ जितेश चौहान की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।